राजधानी रांची में बीते सोमवार को डेली मार्केट थाना क्षेत्र में हिंदपीढ़ी के पास एक घटना हुई। इस घटना में जीजा ने अपने साले पर लगातार दो राउंड फायरिंग की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल लिया। इसके बाद सिटी SP शुभांशु जैन ने मामले से संबंधित प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में पूरी घटना की जानकारी दी। आइए सुनते हैं कि उन्होंने प्रेस वार्ता कर घटना के बारे में क्या कुछ जानकारी दी। परसों छाता मस्जिद के समीप एक तलहा नामक व्यक्ति के द्वारा एक इरफान नामक व्यक्ति के ऊपर दो बार गोली चलाया गया था, जिसकी सूचना मिली थी लगभग शाम के 7 बजे के करीब। उसके पश्चात डेली मार्केट थाना द्वारा और DSP कोतवाली के द्वारा इनको पकड़ा गया और उसके पास से एक कट्टा बरामद किया गया और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। इनका पुराना जो विवाद है वो पारिवारिक विवाद है, क्योंकि जो जिसके ऊपर हमला करा गया उसकी बहन की शादी जिसको पकड़ा गया उससे हुई है और इनका पुराने काफ़ी टाइम से विवाद चलता रहता है। तो काफ़ी बार इनमें पंचायत भी हुई है और पहले भी एक बार ये लोग लड़े हैं, तो पहले भी तलाक के ऊपर एक केस हुआ है और आज इसके ऊपर एक आर्म्स का एक्ट का केस एक और करा गया और उसको आज न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। अपराधी रिकॉर्ड भी है? हाँ, पहले भी बता रहे हैं, जैसा कि पिछले साल भी 7/22 से केस हुआ था तलाक के ऊपर। सेम विवाद है कि इनका जो घरेलू विवाद है उसमें ये दोनों परिवार आपस में लड़ते हैं। तो जेल गया है या पहली बार जा रहा है? नहीं, अभी आज पहली बार जा रहा है। सर, ये जो पारिवारिक मामला हुई है उसमें क्या थाना भी वो लोग गए थे? हाँ, पहले भी थाना आए थे। दो पिस्टल था इसके पास, तो एक बरामद हुआ है, एक नहीं बरामद हुआ। तो आजकल क्या अपराधी तालाब में पिस्टल फेंक रहा है और केयरस्टेकर निकल ले रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, तो अब ये तो बचने के लिए इनका है, बट जैसे वो चेन तो बरामद हो गई है, वैसे जो दूसरा इसका है, जैसे दो का सूचना था, जैसे एक पिस्टल और एक कट्टे का, तो कट्टा बरामद हुआ है। तो तालाब से ही बरामद? नहीं, तालाब से नहीं हो पाया, दूसरे के घर से जहाँ इसने छुपाया था वहाँ पे दूसरा बरामद। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।